हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माही फैशन एंड लाइफस्टाइल। आज मैं बनाने वाली हूँ बटर चिकन, वो भी माही के स्टाइल में। तो चलिए देखिए, हमने चिकन को पहले अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है 2 से 3 पानी में। देन उसमें डाला है नमक, हल्का सा नमक डालना है, और 2 चम्मच लाल मिर्च डालना है, 1 चम्मच हल्दी डालना है, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, वो भी 1 चम्मच डालना है। चिकन हम जितने अच्छे से मैरिनेट करेंगे, इसके मसाले जितने अच्छे से मिक्स होंगे, उतना अच्छा हमारा चिकन टेस्ट देता है। इसमें अभी हम डाल रहे हैं गोड़ा मसाला 1 चम्मच। देन उसके बाद हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें सिर्फ अदरक और लहसुन का ही पेस्ट है, जिसे हम 2 चम्मच डाल रहे हैं। इसे हम डालने के बाद इसमें हम डालेंगे गरम मसाला, जो होममेड है घर का, तो उसे हम डालेंगे को थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, और फिर बाद में हम मसाले में भी डालेंगे, मतलब ग्रेवी में भी डालेंगे। सो इसे हम अभी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे कुछ टाइम के लिए फ्रीज़र में रख देंगे, तो इसका जो मैरिनेट है वो बहुत सही तरीके से बना हुआ है। अभी हम इसे रख रहे हैं फ्रीज़र में। फ्रीज़र में इसे हमने 2 से 1 घंटा कम से कम रख सकते हैं, आधा या 1 घंटा। देन इसके बाद हमने सारी तैयारी करके रखी हुई है, जिसमें मैंने प्याज कटिंग करके रखा है 4 से 5। देन स्वाद अनुसार नमक लिया हुआ है, लाल मिर्च पाउडर ये 5 चम्मच, देन 3 चम्मच हमने लिया है कश्मीरी लाल मिर्च, 2 छोटे चम्मच लिया है हल्दी मिर्च पाउडर, 4 बड़े चम्मच लिया हुआ है धनिया पाउडर, और ये गरम मसाला है, गोड़ा मसाला है, और चिकन मसाला है। तो अभी बटर भी हमने निकाल के रखा हुआ है। बटर के साथ हमने काजू निकाले हैं, कुछ इतनी क्वांटिटी में काजू है। पनीर जो होममेड था, तो वो पनीर हमने मैश करके रखा हुआ है। पनीर के बाद हमने इसमें साइड में लिया हुआ है मगज के ये बीज है, जिसे हमने रेडी करके रखा हुआ है, और 3 से 4 हमने लिया है टमाटर। इन सबको हम अभी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई मतलब इसे पकाना है अच्छे तरीके से, क्योंकि जब हमारी ग्रेवी बनेगी तो हम ये प्यूरी को ज़्यादा पकाएंगे नहीं, सो सारा हमें अभी ही पकाना है। तो अभी मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला था, ऑयल डालने के बाद इसमें मैंने बटर डाला हुआ है 5 से 6 चम्मच, जिसमें ये अच्छे तरीके से पका जाएगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स किया जाएगा। ऑयल हमने इसमें इसलिए डाला था ताकि हमारा बटर जो है वो जले ना, इसीलिए। तो देखिए, अब एक के बाद एक हम सारे डाल रहे हैं इसमें, प्याज, टमाटर, काजू और मगज, पनीर डाल दिया हुआ है। अब इसमें जो सारे मसाले हमने निकाल के रखे हुए थे, वो सब अभी एक साथ हम डाल देंगे। इसे डालने के बाद इसे हम अच्छे तरीके से चला लेंगे, पूरा मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसे हमें अच्छे तरीके से पकाना है, और अभी लास्ट में हमने डाला इसमें मगज। इसे हमें अच्छे तरीके से पकाना है। देखो, इस तरीके का इसका पूरा ऑयल ऊपर आ चुका है, बटर पूरा ऊपर आ चुका है। तो ये अब हमारा मसाला रेडी हो चुका है। रेडी होने के बाद इसे हम कर लेते हैं ठंडा। देन इसको हम कर लेंगे मिक्सी में ग्राइंड करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके की इसकी प्यूरी रेडी हो जाती है। रेडी होने के बाद एक पतीले में, जिसमें हम चिकन बनाने वाले हैं, उसमें हम डालेंगे ऑयल, और ऑयल डाल के उसे थोड़ा हीट होने देंगे। तब तक जो फ्रीज़र में हमने चिकन रखा हुआ था, उसे बाहर निकाल लेते हैं। हमारा चिकन 1 घंटा फ्रीज़र में था। तो देखिए, अभी कुछ इस तरीके का दिख रहा है, और ये बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुका है। तो चलिए, अब हम जो पतीले में ऑयल डाल के रखे हुए थे, इसमें हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ है, वो अभी हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई हमें कुछ इस तरीके से करना है कि जो चिकन है हमारा थोड़ा क्रिस्पी सा हो जाए और ज़्यादा पके ना, मतलब आधा कच्चा और आधा पक्का, इसे करके हमें इसे पकाना है। तो देखिए, सारा चिकन अभी हम पतीले में डाल रहे हैं। पतीले में डालने के बाद इसे हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। हमें सिर्फ इसे भूनना है और क्रिस्पी करना है, ना कि ज़्यादा हमें पकाना है। तो देखिए, अब इसे हम ढक देते हैं, और ढक के हम इसे कुछ टाइम के लिए पकाते हैं। ये चिकन जो बनने वाला है, बहुत टेस्टी सा बनने वाला है। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत टेस्टी बना था और बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करना, बहुत इजी मेथड है और बहुत अच्छे से जल्दी बन जाता है। तो चलिए, हमारा चिकन अभी पक चुका है, मतलब फ्राई हो चुका है। तो इसे हम निकाल लेते हैं पतीले के बाहर एक प्लेट में। देखिए, कुछ इस तरीके का ये पका हुआ है, मतलब फ्राई किया हुआ है। तो चलिए, अब जिस पतीले में हमने चिकन फ्राई किया हुआ था, उसी में ही ऑयल बटर बचा हुआ है, तो उसी में हम 2 से 3 चम्मच बटर के डाल देंगे, और देन उसके बाद इसे सारी प्यूरी जो हमने रेडी करके रखी हुई थी, वो हम डालेंगे। तो उसके पहले हमारा जो बटर है वो गरम हो चुका है। गरम होने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 या फिर आधा चम्मच हम इसमें जीरा डाल सकते हैं। तो इसमें हम अभी डाल रहे हैं जीरा। जीरा डालने के बाद इसमें 2 से 3 तेज पत्ते के जो पान हैं वो डालेंगे हम। देन इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये थोड़ा
फ्राई हो जाए, देन इसके बाद हम इसमें डालेंगे जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने चिकन मैरिनेट में भी डाला था तो उसके हिसाब से हमें इसमें डालना है। तो 2 चम्मच हमने उसमें डाला था तो 2 चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं। हम जो अभी सब्जी रेडी करने वाले हैं वो 3 किलो की सब्जी है, तो इस हिसाब से हम सारे मसाले यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए अभी हमारा मसाला थोड़ा पक चुका था तो हम इसमें डाल रहे हैं जो मसाला हमने रेडी किया होता प्यूरी का, वो सारा अब इसमें डाल रहे हैं। तो इसे अब हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, हल्का सा ही पकाना है। हल्का इसमें पकने के बाद देखिए कुछ इस तरीके का दिख रहा है, सारे फ्लेवर एक साथ मिल चुके हैं। तो हमने अभी जो चिकन फ्राई किया हुआ था वो अब हम इसमें डाल रहे हैं। तो देखिए कितना टेस्टी सा दिख रहा है, जितना टेस्टी ये दिख रहा है उतना टेस्टी ये खाने में भी था। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपने जो चिकन बनाया था वो कैसा बना और मैंने अभी जो रेडी किया है वो कैसा बना हुआ है, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो देखिए हमारी सब्जी अभी पक चुकी है, मतलब ऑलमोस्ट ये जितना टाइम लगता है चिकन पकने के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था क्योंकि ऑलरेडी हमने आधा इसे पका लिया था। तो अभी ये जितना चिकन पकने के लिए लगा था उतना टाइम लगा है। अभी ये हमारा रेडी हो चुका है चिकन। तो चिकन के ऊपर अभी हम डाल रहे हैं इसमें कसूरी मेथी। कसूरी मेथी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, 2 से 3 चुटकी जो होता है उस हिसाब से डालना है। देन ऊपर से हम डाल रहे हैं इसमें गरम मसाला जो घर का रेडी किया हुआ है। वो गरम मसाला अभी डालने के बाद इसमें हम डालेंगे मलाई जो बहुत टेस्टी सी दिख रही है। और देखिए हमारी सब्जी अब कितनी टेस्टी लग रही है, बहुत टेस्टी। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट्स में बताना, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अगर आपको बहुत अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ ये रेसिपी को जल्द से जल्द फॉरवर्ड कर दो सबको, ताकि सब लोग अच्छी सी टेस्टी सी सब्जी बनाए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय साईं राम। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, सेफ।